हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं चेन्नई में जो पवन अरुणिता और एसएमपी का शो हुआ था उसके बारे में। फ्रेंड्स, बहुत अलग तरीके की ऑडियंस थी, बहुत चुनिंदा ऑडियंस थी एंड सर्टनली एक कॉर्पोरेट इवेंट था तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि कुछ अलग तरीके की एकदम अलग क्लास को बिलोंग करने वाली ऑडियंस आने वाली है। सो ऐसे में अरुणिता का कभी ना कहना अलविदा लग जा गले एंड देन उनका पब्लिक इंटरेक्शन भी चल रहा था, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ओ रे मनवा तू क्यों बाबरा है, और ये मोह मोह के धागे एंड एट द सेम टाइम हमारी अधूरी कहानी, ये कुछ गाने अरुणिता ने गाए थे एंड उसके बाद बैंड के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। हर एक को मिलवाया, ओके गिटार पर ये है, बेस पर ये है, उन्होंने ये है, और ऐसे में एक शख्स के नाम से वो कंफ्यूजन में आ गई थी, इट वॉज पारस। अब वो टांग खिंचाई थी या क्या थी वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन पारस को देखकर मुझे जोर लग रहा था कि कितना झूम झूम के एकदम अपना काम कर रहा है, पूरे बाल सामने आ रहे हैं, तो अरुणिता क्या कोई भी कंफ्यूजन में आ जाएगा। एनीवेज, उसके बाद फिर एसएमपी आई, एक हो गए हम और तुम, रूप तेरा मस्ताना, एंड फिर ये गाना उन्होंने रूप तेरा मस्ताना ऑडियंस के साथ गाया था, कुर्बा हुआ झुम 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 झुमरू और प्रॉपर योडलिंग चल रही थी, बहुत दिनों बाद सुन रही थी एसएमपी की योडलिंग ऐसे सामने बैठकर, तो बड़ा मजा आ रहा था मुझको, और दिल से दम मारो दम पिया तू अब तो आ जा, एंड फिर उसके बाद सबका वेट जिस शख्स के लिए चल रहा था फाइनली पवनदीप आए और शुरुआत ही की शायद के साथ। शायद इट टेक्स यू समवेयर डाउन द, ऐसी हालत हो जाती कि आपको उनके ऑडिशन राउंड की याद आ जाती है, फिर कैसे हुआ हवाएं लाखों मिले मेरे यारा, तू जो मिला फिर कलंक, कितना सुंदर गाता है, फिर कच्चे धागे लुका छिपी बहुत हुई, और लुका छिपी में मुझे जाने की वो साईशा की भी याद आ गई, उन्होंने गाया था ना साईशा और पवन ने, इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय साईशा। आई मीन देखिए ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि पवन के साथ साथ साईशा भी पीछे चली आती है यादों में। ओके बस याद साथ है माई तेरी चुनरिया, एंड फिर उन्होंने दो उत्तराखंड के गाने सुनाए, मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा where he was playing on piano also, and Ekali Gwala, बहुत सुंदर गाए। Ekali Gwala को इतने सारे लोगों के बीच में सुनाना अच्छा लग रहा था, I mean beautifully sung the song, जब वो गा भी रहे थे तो बहुत अच्छे से सुकून वाली फीलिंग आ रही थी, और फिर आने वाला पल देखा एक ख्वाब, जाने की जिद ना करो, बोलना माही बोलना, एंड देन तेरी मिट्टी में, एक जो पवन का प्रॉप पर सॉन्ग वाला पैकेज आता है वो पूरा पैकेज कंप्लीट किया पवन ने और ऑडियंस खुश हो गई मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद फिर डुएट का इंतजार था, डुएट लाया गया मनिए साहिब जी पहला नशा, और पहला नशा के साथ पवन जो है पियानो पर बैठे थे और अचानक से नेडल के पहला नशा की याद आ गई, एंड ये दोनों जब भी गाते हैं ना अब बार बार या तो इंडियन आइडल में चले जाते हैं या फिर SS2 में चले जाते हैं, I think that is one reason of being hit. इनके साथ यादें बहुत जुड़ी हुई है यार। गाता रहे मेरा दिल और दिल चीज क्या है, इस पे पवन ने तबला बजाया और अरुणिता she was singing. And all three of them फिर से उड़ चला ये वाला गाना गा रहे थे। इस पूरे लाइव के दौरान पवन के पापा यानी सुरेश राजन जी लाइव पर बने हुए थे। सुरेश जी के लिए ये कमेंट बड़ा ही चौंकाने वाला रहा होगा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने पढ़ा या नहीं। सुरेश जी ने इस लाइव के दौरान एसएमपी की भी हौसला अफजाई की। इतने समय बाद पवन अरुणिता को साथ में सुनना और एसएमपी भी थी, एकदम से नॉस्टैल्जिक मोमेंट था वो मेरे लिए, इतने दिनों बाद सुन रही थी ऐसा लग रहा था कि कहां गुम हो गए, क्यों मतलब सडनली दे आर वर्किंग, ऐसा नहीं है वो अपने अपने गाने बना रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह जाकर शूट कर रहे हैं, तो दे आर नॉट वर्किंग ऐसा नहीं है, लेकिन इनका जो शोज होते हैं ना वो शोज इतना मिस किए हैं मैंने, मतलब इट वाज कंप्लीट नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी, बहुत पुरानी प्यारी सी यादें आ रही थी। और लेकिन एक बार मैं आपको अभी भी यही कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट आपको नहीं कहना चाहती, मैं पारस को कहना चाहती हूँ कि पारस प्लीज कट योर हेयर, अपना हेयर कट करवा लो, बहुत हो गया। एनीवेज ये मस्ती है, हर एक को अपना अपना हेयर स्टाइल बनाने का और हीरो बनने का चांस मिलना चाहिए, बट इट वाज क्या टांग खींची अरुणिता ने पारस की, मजा आ गया। आई हैड फन,
कंप्लीट जो इनका शो रहा, आप अपनी बताइए। जय हिंद।